तो स्वागत है आप सभी का एक और नई कमाल की वीडियो में। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंजाबी सिंगर योयो हनी सिंह के गाने फर्स्ट किस के बारे में, और इस गाने में हुई कुछ ऐसी छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स को हम कवर करने वाले हैं जिनको आप में से किसी ने भी नोटिस नहीं किया होगा। तो वीडियो को एंड तक देखना। और हमारी ये वीडियो सिर्फ गाने की स्टोरी और वीडियो के ऊपर बनाई जा रही है, किसी भी कैरेक्टर को लेके ये वीडियो नहीं बनाई गई है। सो आप लोग भी इसको पर्सनली मत लेना, हेट मत करना, और ये वीडियो कहीं ना कहीं ओरिजिनल वीडियो को प्रॉफिट ही देगी। तो यार आप लोग भी इसको सिर्फ मजे के लिए देखना, और चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो गाने की शुरुआत होती है इस सीन से जहाँ पर ये दो पैराशूट हवा में आसमान में उठ रहे होते हैं। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे, और सबसे बड़ी बात ये है कि इन दोनों पैराशूट को पूरे वीडियो में कम से कम 6 से 7 बार दिखाया जाता है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा आश्चर्य करने वाली बात ये है कि जब भी इन पैराशूट को दिखाया जाता है तो ये उसी जगह पे हैं जहाँ पर ये स्टार्टिंग में होते हैं। इनके अंदर कोई हलचल ही नहीं हो रही होती है, ना ये नीचे उतर रहे हैं ना ऊपर जा रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है। इन पैराशूट के अंदर जो बंदे हैं वो भी बोल रहे होंगे, भाई लैंड करा दे भाई मेरे, जो इसमें आया भाई 100-200 ज्यादा ले ले लेकिन लैंड करा दे भाई, 500 ज्यादा ले ले लेकिन लैंड करा दे आज हमारा। इसके बाद आते हैं इस सीन के अंदर, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि योयो पाजी पानी के अंदर इस पूल में खड़े होते हैं और पूल के अंदर पानी भी होता है। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि हनी सिंह पानी के अंदर खड़े हैं लेकिन उनके पैर गीले नहीं हो रहे हैं। मतलब ये कौन सी सुपर पावर है योयो पाजी के पास कि वो पानी में खड़े होने के बावजूद भी गीले नहीं होते हैं? क्या ऐसा रियल लाइफ में होता है? नहीं। इसके बाद हम इसी सीन के बारे में एक बार फिर से बात करने वाले हैं, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हनी सिंह के दोनों साइड में, यहाँ पर लेफ्ट साइड में ये दोनों लड़कियाँ बैठी होती हैं और राइट साइड में ये एक लड़की होती हैं, जो कि कुल मिला के तीनों ही योयो पाजी को ताड़ रही होती हैं। लेकिन जब इसी एंगल को थोड़ा सा पास से दिखाया जाता है तो ये राइट वाली लड़की तो पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है, मतलब जादू। इसके बाद इस सीन में आप लोग देख सकते हो कि इस ग्राउंड के अंदर दो वॉलीबॉल पड़े होते हैं, लेकिन जैसे ही कैमरे का एंगल चेंज किया जाता है तो यहाँ पर ये तीसरी बॉल पता नहीं कैसे आ जाती है, शायद ये बॉल तो यहाँ पे भूत रख के चला गया। चल झूठा, इस सीन में आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर इप्सिता और उसके साथ ये सारी लड़कियाँ डांस कर रही होती हैं। तब आप लोग ये पीछे का बैकग्राउंड अगर देखोगे तो ये वाला होता है, लेकिन अगले 1 सेकंड के अंदर कैमरा ब्लिंक करता है और पीछे का बैकग्राउंड बिल्कुल चेंज। सभी के डांस स्टेप भी वही होते हैं और सभी एक ही स्टाइल में खड़ी होती हैं, बट बैकग्राउंड पता नहीं कैसे चेंज हो जाता है, मतलब फिर से। एंड दोस्तों इन सभी के बाद आती है इस गाने की सबसे ज्यादा बड़ी मिस्टेक, जो कि है इस गाने का नाम। तो गाने का नाम है फर्स्ट किस, और मैंने पूरा गाना बड़े ध्यान से देखा, मतलब पूरा गाना खत्म हो गया तब तक कोई भी किस सीन नहीं आया। मैंने सोचा कहीं ना कहीं हमारी ही आंखों में मिस्टेक है। हाँ, तो इसलिए मैंने गाने को एक बार फिर से वापस देखा, लेकिन फिर भी मुझे गाने में किस सीन तो कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। गजब बेइज्जती है, मतलब गाने का नाम फर्स्ट किस और गाने के अंदर पहला किस ही नहीं हो पाया, मतलब किस अभी पेंडिंग है, तो इस गाने का अगला पार्ट और आ सकता है कुछ भी। सो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर आप लोग सोचते हो कि मैं हनी सिंह का हेटर हूँ तो यार मेरी पहले की वीडियो चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि मैं हनी सिंह का कितना बड़ा फैन हूँ। और ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है, तो आप लोग भी इसे सिर्फ एंटरटेनमेंट की वजह से ही देखना, कहीं पर भी हेट मत फैलाना। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और पास में आ रहे बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर देना।